मैं तुझे विमल कहूँ या सोहेल, या अपनी जलील मौत के करीब पहुंचकर तूने अपना कोई नया नाम रख लिया। नया नाम रखने में तो माहिर है ही तू, एकदम भगवान श्री कृष्ण है, शायद उससे भी एक आध ज्यादा ही नाम होगा तेरा। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहेल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल तांगे वाला उर्फ रमेश शर्मा उर्फ कैलाश मल्होत्रा उर्फ बलवंत कुमार मोटर मैकेनिक उर्फ नितिन मेहता उर्फ कालीचरण। अब कौन सा नया उर्फ लगाया तूने अपने नाम के साथ? और अगर अभी तक कोई नया नाम ना रखा हो ना, तो नया नाम ये सोच कर रखना जिसे सुनने भर से लोग समझ जाएं कि ये नाम उस शख्स का है जो एक औरत की खातिर बेवड़ा पी पीकर खुदकुशी करने का ख्वाहिशमंद है। तू का राम नीलम एक औरत नहीं, नीलम थी तेरी माँ भी एक औरत नहीं, तेरी माँ थी जो बकौल खुद तेरी माँ तेरी जननी तेरे सामने गिर कर तब मर गई थी जब तू अदालत में मुजरिमों के खटघरे में खड़ा हुआ था। तब तू भी क्यों नहीं अपनी माँ के साथ ही मर गया? इसका क्या है ये मतलब लगाओ कि नीलम तुझे अपनी माँ से ज्यादा जीत थी, उस माँ से ज्यादा जीत थी जो अपनी औलाद की खबर सुनकर, उसकी मुसीबत की खबर सुनकर खड़े पैर तेरे गांव सोहेल से इलाहाबाद पहुंची थी और भरी अदालत में तेरे सामने गिर कर मर गई थी क्योंकि उसकी आंखें, उसकी बूढ़ी आंखें अपनी औलाद की दुश्वारी न बर्दाश्त कर सकी। ऐसी माँ की मौत के बाद तो तू जिंदा रह सका और नीलम की मौत के बाद जिंदा नहीं रह सकता? ऐसी तेरी कौन सी कायनात थी जो तेरी माँ के मरने के बाद ना उजड़ी और तेरी मासूका के मरने के बाद उजड़ गई? अब अपनी जुबान से कह कि बतौर आशिक तो तू बहुत फर्मा बरदार है लेकिन बतौर औलाद नीरा नाशुक है, कह अपनी जुबान से कहता क्यों नहीं? सरदार तेरी आंखों का खौफ खाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं तुझे कुछ याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं तुझे ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि मरते हुए इंसान के साथ मर जाना कोई बहादुरी नहीं होती है। मैं तुझे ये याद दिलाने आया हूं कि जिस जंग में तेरी नीलम की जान गई थी उसी जंग में मेरे भी चार भाई शहीद हुए थे। वो चार भाई शहीद हुए थे जिनमें से एक देवाराम सिर्फ 22 साल का था। मैं तुझे ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि इंसान का बच्चा अव्वल तो किसी को धमकी देता है नहीं, अगर धमकी देता है तो उस पर खरा उतर कर दिखाता है। तू कैसे इंसान का बच्चा है जो अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखाने के बजाय एक मरियल सियार की तरह दुबका हुआ यहां बेवड़े में डुबकियां लगा रहा है? सरदार सुरेंद्र सिंह सोहेल, अगर इंसानियत का एक भी जर्रा तेरे अंदर मौजूद है और तू अपनी उसी माँ की औलाद है तो उठकर खड़ा हो अपने पैरों पर और पूरी करके दिखा अपनी वो धमकी, तब मानूंगा कि तू वही अपनी माँ का सरदार सुरेंद्र सिंह सोहेल है।